दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। इस समय बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित नारायण दत्त शर्मा के आवास पर उनसे उनके राजनीतिक जीवन, प्रारंभिक जीवन और विधायक रहते हुए बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की बातचीत इनसे आज करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, और आपने अपना बहुमूल्य समय जो हमें दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। और सर, जैसा कि मैंने कहा, हमारी इच्छा है, हम जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, पहले सर अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रारंभिक जीवन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ कोई, मैं एक छोटे से किसान के परिवार में पैदा हुआ, गरीबी में पैदा हुआ, यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। सिंपल से परिवार में पैदा हुआ था। राजनीति का ऐसा नहीं था कि मैं कोई नेता बनने के लिए मैं सोचता था। मैंने ग्रेजुएशन पलवल से की, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा कुछ गांव में हुई, उसके बाद मैं हरियाणा की तरफ ही मैंने पढ़ाई करी। तो पलवल से करने के बाद में वीपी सिंह जी का दौर था, उस वक्त मैं बीच में ही अपनी ग्रेजुएशन को ख़त्म करके बीच में ही मुझे किसी कारणवश दिल्ली में आके नौकरी करनी पड़ी। किराए पे रहा हूँ इस दिल्ली में, इसी कॉलोनी में रहा हूँ, और बहुत मेहनत करी है कुल मिला के अपने आप को खड़ा करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। पहले नौकरी करी, फिर उसके बाद एक छोटा सा बिजनेस किया। जिस वक्त लोग अपने बिजनेस का, व्यापार का नाम अपनी औलाद या अपनी बीवी, अपने माँ बाप के नाम पर रखते थे, उस वक्त मैंने एक छोटा सा व्यापार स्टार्ट किया था। उस व्यापार का नाम भी मैंने देश प्रेमी ट्रेडर्स रखा था। वजह सिंपल थी, बचपन में ही एक मेरे साथ में हादसा कह लीजिए या एक नई दिशा कह लीजिए, मुझे बचपन में हमारे गांव के अंदर एक, मैं करीबन 10 साल के आसपास का होऊंगा, उस वक्त मुझे कुत्ते ने काटा था। वो कुत्ता काटना बढ़िया बात तो नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का यू टर्न भी था वो। जब कुत्ते ने काटा तो उस वक्त गांव से 10 या 12 किलोमीटर दूर एक कस्बा था, डेली एक इंजेक्शन लगता था, 14 इंजेक्शन लगते थे उस वक्त कोई कुत्ता काटता था। तो उस वक्त वो मुझे, मेरे ताऊ जी, ज्वाइंट परिवार था हमारा, ताऊ जी मुझे साइकिल पर बिठा के हुडल, एक कस्बा है वहाँ, मुझे लेके आते थे। वो मेरा एक पेट में इंजेक्शन लगता था और मैं रोता था, दर्द होता था। तो जैसे बच्चा रोता है, उसको मनाने के लिए कुछ टॉफी वगैरह या कुछ खिलाया जाता है, जाते हो तो मुझे 1 रुपया का वो, एक वहाँ चाय की दुकान थी, उस पर बर्फ़ी, वो शायद दूध वूध बच जाता होगा उसका, वो खोवा बना के बर्फ़ी, तो बर्फ़ी देता था, मैं चुप हो जाता था। ऐसे करके मेरे इंजेक्शन डेली आता था, डेली लगते थे। एक दिन इंजेक्शन तो लग गया, लेकिन वो, मैं रोया, मुझे दर्द हुआ, ताऊ जी से बोला मैंने कुछ खाने के दुलाइए, तो उस दिन वो पूरा बाजार बंद था। जब बाजार बंद था, मैंने कहा ताऊ जी थोड़ा अंदर चलो बाजार में, वहाँ खुल रहा होगा। पूरा बाजार देख लिया, कोई कुछ नहीं मिला, चना भी नहीं मिले। तो मैं देखता हूँ, मैंने ताऊ जी ऐसे क्या बंद हो गया, और पता नहीं कैसे बंद हो गया। थोड़ी देर बाद एक अर्थी निकलती है, मैयत निकलती है, एक जनाजा निकलता है। उस जनाजे के पीछे ऐसा लगता है जैसे पूरा कस्बा जा रहा हो, और लगभग बहुत सारे लोगों की आंखें गीली थी। बच्चा था मैं, छोटा सा बच्चा था, मैंने देखा, मैंने कहा ताऊ जी ये कौन आदमी ऐसा मर गया, पूरा बाजार बंद हो गया, सारी दुकान इसकी है क्या? छोटा सा बच्चा है, बार बार चीज़ों को दोहराता, मैंने बेटा सारी दुकान तो इसकी नहीं है, लेकिन ये कोई अच्छा आदमी होगा। मैंने कहा ताऊ जी हमारे गांव में भी घने अच्छे आदमी मरते हैं, किसी की दुकान बंद नहीं होती, हर आदमी अपने काम पे लगा रहता है, हाँ चले जाते हैं कुछ लोग, इतनी भीड़ कैसे? तो ताऊ जी ने, हमारे ने
बोला कि बेटा जो लोग अपने लिए जीते ना, अपनी औलाद के लिए जीते, उनके लिए कोई दुकान बंद नहीं करता। जो देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए जीते हैं, उनके लिए दुकानें भी बंद होती हैं, उनके लिए आंखों से आंसू भी निकलते हैं। तो मैं उस टाइम 9 या 10 साल का हूँगा, उस दिन मैंने निश्चय किया था कि जीवन कैसा भी हो, कितना भी कठिन हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन मौत ऐसी चाहिए कि जब मैं मरूं, जब मैं जाऊं, तो लोग कम से कम अपने बाजारों को बंद करके मुझे अंतिम यात्रा में मेरे साथ आए और उनकी आंखें कहीं ना कहीं गीली हों। उसके लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी इस बदरपुर में आके। उसी के लिए वो 9 साल का बच्चा प्रण कर लेता है कि मुझे मंत्री बनूँ ना बनूँ, MLA बनूँ ना बनूँ, कुछ बनूँ ना बनूँ, लेकिन ऐसा ज़रूर बनूँ जिस दिन मैं जाऊँ कुछ लोगों को लगे यार एक अच्छा आदमी आज दुनिया से जा रहा है। इसके लिए आज ये बदरपुर में लड़ाई जारी है, बदरपुर की जनता ने चुना है। और आज भी अगर मैं जो को काम कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि जिस दिन मैं जाऊँ उस दिन विरोधी की आंख भी गीली हो जाए तो मुझे लगेगा कि मैंने इस क्षेत्र की सही मायने में सेवा करी है। साधुवाद आपके इन विचारों का। कहते हैं जो भरा नहीं हो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। देश के प्रति आपका ये जज्बा, बचपन में ही जो विचार आपके मन में पनपे, आज वह सच में बदरपुर में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित था कि आपका राजनीति के क्षेत्र में झुकाव कैसे हुआ, उसका जवाब मुझे मिल चुका है। बहरहाल मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं विधायक जी, पंडित नारायण दत्त शर्मा और विधायक नारायण दत्त शर्मा, इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? मैंने अभी तक मैं सही मायने में देखा जाए, मैं अपने साथियों से बोलता रहता हूं कि मुझे आप विधायक ना समझें, मुझे MLA ना समझें, मुझे अपने बीच का अपना भाई समझें। मुझे नहीं लगता बहुत कुछ अंतर होता होगा। मैं आज भी जिस दिन MLA नहीं था जब भी ऐसे ही रहता था, MLA हूँ जब भी ऐसे ही रहता हूँ, पहले भी इन लोगों के बीच में रहता था, आज भी इन लोगों के बीच में रहता हूँ। मुझ में कुछ नहीं बदला। मेरी पत्नी आज से 7 साल पहले जिस घर से दूध लेके पैदल आती थी आज भी ऐसी आती है। जब मैं MLA नहीं था जब भी वो बेचारी ऐसी सब्जी लेके आती थी आज भी ऐसी आती है। मेरे बच्चे जब भी बसों में जाते थे आज भी बसों में जाते हैं। कुछ नहीं बदला। बदला इतना है कि उस वक्त मैं थोड़ा सा समय अपनों के बीच में बिता लेता था, आज मैं अपनों को ना देके मैं क्षेत्र को देता हूँ, ये बदला है बस। बहुत अच्छी बात है। आज आप सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो अपनों के लिए समय नहीं निकल पाता, लेकिन आपने पूरे बदरपुर की जनता को अपना समझा है और उनके लिए समय दे पाते हैं। विधायक जी, एक चीज़ और, इसी तरह का एक और प्रश्न है। आप बदरपुर में काफ़ी दिनों से रहते हैं और आपके सामने ही आपसे पूर्व यहाँ पे 2 विधायक हो चुके हैं, राम सिंह नेताजी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, आप यहाँ के 3रे विधायक हैं। विधायक बनने से पहले का बदरपुर और विधायक बनने के बाद का बदरपुर, इन दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? बहुत बड़ा और बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इस सवाल को तो मेरे हिसाब से जनता मेरे से ज्यादा बेटर दे पाएगी, क्योंकि जनता ने क्या देखा है बदलते हुए। मुझे तो ये लग रहा है कि बदल रहा है, मैं बदलने के नज़दीक हूँ। एक तो ये बदला है कि कोई भी आके MLA से मिल सकता है, बिना दलाल के, बिना किसी लाग लपेट के MLA के घर की बेल बजाएगा। पहले MLA की कोठियों पर जाने के लिए दलाल का सहारा लेना पड़ता था, कान टूटे हुए पहलवान बैठे रहते थे, 4-4 कुत्ता कोठियों या फार्मों के आगे बंधे रहते थे। आज कोई नौकर गेट नहीं खोलता है, या तो MLA का बेटा खोलेगा, या खुद MLA खोलेगा, या MLA की पत्नी खोलेगी, उसको अपने घर में बैठा के उसकी बात पूछी जाएगी और जो हो सकता है उसको किया जाएगा। ये बदला है, यानी कि आज MLA बहुत पहुंच में है, कोई भी आदमी कभी भी मिल सकता है। पहले MLA पहुंच में नहीं होते थे, पहले एक स्टेटस होता था MLA, आज स्टेटस नहीं है। आज एक MLA का कारण एक सेवा है। MLA का मतलब है सबसे इजी वे में अगर कोई मिल सकता है तो MLA मिल सकता है। सुनिए,
एक दिन 2 बजे रात को खड्डा कॉलोनी से कुछ नौजवान साथी मोटरसाइकिलों पर 50-60 की तादाद में मेरे घर पे आते हैं, बेल बजाते हैं। नीचे देखा जाता है तो 50-60 लोग आए हुए हैं। हमारी पत्नी को थोड़ा सा डर सा भी लगता है कि रात में 2 बजे की कौन है, तो वो मन गया टेंशन नाले में जाता हूँ, इस जनता ने मुझे जिताया है। मैंने गेट खोला, कर जी हमारी लाइट गई हुई है 1.5-2 घंटे से। अच्छा, मैंने फ़ोन किया अधिकारियों को, उनकी जब भी चालू करवाते हैं 15-20 मिनट में, कोई उधर की तरफ फॉल्ट हो गया है। फिर मैंने पूछा, मैंने कि पानी वानी गर्मी के दिन थे तो मैं घर ऊपर से पानी मंगाया, पानी पिलाया उनको। मैं पूछने लगा, मैंने कि पहली बार लाइट गई है क्या आपकी? लाइट तो पहले भी जाती थी। हाँ पहले भी जाती थी जी, हर साल जाती है, हर महीने जाती है, लाइट तो जाती थी, पूरी रात नहीं आती थी। मैंने कि तो पहली बार वोट दिए या फिर आपने? ना जी, वोट भी पहली बार नहीं दी। फिर मैंने कि ऐसा क्या कारण हो गया रात को 2 बजे आप लोग आए हो? कह रहे जी कारण ये हो गया, पहले तो देते थे उन फन्ने गांवों को और अब के दिए अपने आप को। हम MLA के घर नहीं, अपने भाई के घर आए, तो ये बदला है जी। तुलसीदास जी ने कहा कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को नेक, पाले पोसे सकल जगह बुद्धि सहित विवेक। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए विधायक नारायण दत्त शर्मा, यह बात बदरपुर की जनता, बदरपुर के जनमानस में है और यहाँ के लोग विधायक जी को विधायक जी नहीं समझते। बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी भाषणें देने वाले नेता वोट मांगते समय तो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वो जनता के नेता बन जाते हैं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बात जरूर हुई है कि आज बदरपुर की जनता ये नहीं सोचती कि नारायण दत्त शर्मा एक बहुत बड़ा नेता है, बदरपुर की जनता ये सोचती है कि नारायण दत्त शर्मा उनका भाई है, उनका साथी है। विधायक जी, विधायक बनने के बाद बदरपुर के लिए जो कुछ काम आप कर पाए हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि अब तक मुख्य रूप से जो काम हुए उनमें किन किन कामों को आप जो है लाना चाहेंगे, बतलाना चाहेंगे हमारे चैनल को। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं जीता था, बहुत बड़ी चुनौती मेरे सामने थी, क्षेत्र का जाम। आपने कोठी बना लिया, आपने मकान बना लिया, सब कुछ बना लिया, सब कुछ है आपके पास। भगवान ना करे कभी किसी घर में, ऐसा नहीं है कोई घर जिस घर में कभी किसी बच्चे की या परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब नहीं होती हो। और जब तबीयत खराब हो जाती है, और अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जब अपने पेरेंट्स को या परिवार के किसी सदस्य को हम गाड़ी में लेके चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ, और जब 1 घंटा जैतपुर मोड़ पे लगता था, 1 घंटा मीठापुर चौक पे लगता था, उस वक्त ऐसे लगता था मैं कौन से जहन्नम में रहता हूँ। उस वक्त ये नहीं लगता था मैं दिल्ली में रहता हूँ, उस वक्त ये लगता था कि मैं कहाँ रहता हूँ। और ऐसे लगता था इस मकान को कल ही बेच दे आदमी, ऐसा लगता था। हर लोगों ने कहीं ना कहीं तकलीफ को देखा होगा। मैंने देखा है कई बार किसी के घर में शादी है, बारात आनी है, टेंट लगा पड़ा है, खाना बन चुका है, 2 बजे तक बारात का पता नहीं है। कहाँ है बारात? नहर से पल्ली पार है जी, पंडाल नहर से उधर की तरफ लगा हुआ है। उसके बाद में इन चीजों को, तकलीफ को देखते हुए मैंने बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं कर दिया, बशर्ते मेरी सोच थी मुझे करना था, कर वो लोग भी सकते थे, बशर्ते वो इसको थोड़ा पहन लेते। उन लोगों ने इसलिए नहीं किया, उनको तुम्हारे लोगों से, इस लोगों से वोट लेना था, बाकी कुछ लेना नहीं था। मैं इस जनता के बीच में रहता हूँ, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मैं भी रोज जाम में फंसता हूँ, मैं क्षेत्र के बीच में रहता हूँ। इस कारण से जैतपुर मोड़ पर आज की डेट में जिस दिन से जर्सी बैरियर लगा है, एक भी कोई साथी ये बता दे कि 2 घंटा जाम लगाओ, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आदमी निकल जाता है, स्लो निकले लेकिन ईजिली वो मथुरा रोड को टच कर लेता है ईजिली। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बन रहा था नहर, ऐसे ही सर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर इस वजह से बन रहा था कि 2-2 घंटे जाम लगा रहता था, और जो पुलिस का कोई बंदा भी रहता था वो भी पागल हो जाता था क्योंकि संभाल ही नहीं पाता था व्यवस्था को। इसको करने में मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ है लखनऊ के अंदर, और किसने करवाया है? वो इन नेताओं ने कराया है।
लेकिन मैंने किसी मुकदमे की परवाह ना करते हुए उस गोल चक्कर को बाखूबी अंजाम दिया। आज कनाट प्लेस में जाम लग सकता है, आज ग्रेटर कैलाश में जाम लग सकता है, आज सरता बिहार में जाम लग सकता है, लाजपत नगर में जाम लग सकता है, लेकिन बदरपुर में जाम नहीं लगता है। भैया दौज वाले दिन और त्योहारों पे इस बदरपुर में जाम रहता था। बता दीजिए कौन से त्योहार पे जाम लगा? एक दिन, हाँ किसी दिन कोई अगर ट्रक ही खराब हो जाए, कोई गाड़ी खराब कर दे तो ठीक है। आज बदरपुर जाम मुक्त हो चुका है और गुंडागर्दी मुक्त हो चुका है। एक चीज जरूर रहेगी है बदरपुर में अभी, जिसके लिए आपका MLA, आपका विधायक, आपका भाई लड़ाई लड़ रहा है अपने सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जनता को लेके, वो है ओजोन। मेरा मानना यह है जो ओजोन है ये किसी ऐसे नेता की सोच से लगाया गया था कि इस ओजोन के नाम पर मैं अपने घर को भरता रहूं, लूटता रहूं। आप लोग भली भांति जानते हो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन लगा रहा है, किसके हाथ में निगम आता है। मैं रोज निगम से लड़ता हूं, मुझे शौक नहीं है किसी नेता के लिए कुछ बोलने का या मुझे लड़ने का। मैं अपने काम करने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन जिस जनता ने मुझे चुना है ना जी, उसके लिए मुझे लड़ना भी पड़ेगा। अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। एक विकास की बात कर रहे हैं, जाम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी, उस पर मैंने काम किया है, उसका सामने है आपके। उसके बाद में खड्डा कॉलोनी के अंदर एक स्कूल की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि खड्डा कॉलोनी की बच्चियों को भी पढ़ने का हक है, बच्चों को भी पढ़ने का हक है, जिसको जैतपुर पार्ट टू कहते हैं। 14-15 साल पहले वहाँ पे उद्घाटन कुछ नेताओं के द्वारा झूठ का फोड़ा गया था, जैसे कि आपको याद हो अभी नगर निगम में एक नारियल फोड़ा गया था, कुछ नेता बाहर से भी आए थे मीठापुर वार्ड के अंदर, जिसको अभी ओम नगर वार्ड बन गया है, कि हम इस 11 एकड़ ज़मीन पर पार्क बना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने, उस वक्त वो नारियल फोड़ा गया और आज तक पार्क के लिए एक नीम की ईंट नहीं रखी गई। ऐसे ही आज से 14 या 15 साल पहले एक नारियल फोड़ा गया था कि हम स्कूल बनाएंगे, लेकिन वो स्कूल नहीं बना। आज वो स्कूल बन रहा है जी, और 6 महीने के अंदर बन के वो जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसका कोई नरेंद्र शर्मा ने उद्घाटन नहीं किया है, ना नरेंद्र शर्मा झूठ के नारियल फोड़ने का बिलीव रखता है। नरेंद्र शर्मा उस दिन उद्घाटन करेगा जिस दिन ये चीज़ जनता को दे देगा। नरेंद्र शर्मा के द्वारा, आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, हमारे मंत्रियों के द्वारा 450 कमरे इस जनता के लिए, बदरपुर की आवाम के लिए, उन गरीबों के लिए स्कूलों में बनाए जिनमें गरीब का बच्चा पढ़ सके। हमने क्या प्रचार किया है जी? ये लोग अब लोग प्रचार में घर घर को पाठ देते गरीबों के लिए। आज गरीब का बेटा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है। जो प्राइवेट स्कूलों में फैसिलिटी नहीं है वो फैसिलिटी दे सकते हैं। 13 मोहल्ला क्लिनिक, जिसकी आज तक विदेशों में भी तारीफ हो रही है, वो मैंने बदरपुर के अंदर मंजूर करा दिए। एक बन चुकी है, तैयार है, बहुत जल्दी ओपनिंग होनी है। 12 बननी बाकी हैं, 7 नहर पार बननी है, 5 नहर से उल्ली तरफ बननी है। तो सारे क्षेत्र को ग्रेजुएशन शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हमारी मेन प्राथमिकता है, उस पर तो ये काम हुआ है। दूसरा, इस मोड़बंद के अंदर दो तीन चीज़ों की बहुत बड़ी दिक्कत थी। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि यदि खुद उसके पास अधिकार नहीं है और सारे अधिकार LG के हाथों में निहित हैं, तो विधानसभा चुनाव कराने का दिल्ली में ये ड्रामा क्यों? केंद्र सरकार को इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, जिसके लिए लगातार संघर्ष करते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद भी विकास के लिए प्रतिबद्ध ये नेता, और उसमें से एक नाम पंडित नारायण दत्त शर्मा का, जिनके आवास पर आज हमने बहुत सारी बातें की। चलते चलते सर, मैं जानना चाहूँगा भविष्य में वो कौन से काम और रह गए हैं जिनको विशेष तौर से आप करना चाहेंगे और करने के इच्छुक हैं? सबसे बड़ा काम तो यह है कि बदरपुर की जनता के लिए मेट्रो में बैठने के बाद में कनाट प्लेस पहुंचने में बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता, लेकिन मेट्रो तक पहुंचने में कई बार दिक्कतें आती हैं। मैं चाहता हूं कि जो मेट्रो फरीदाबाद की तरफ निकलती है, अगर मेट्रो मेरी दिल्ली की सीमा से बिल्कुल
बदरपुर सीमा और फरीदाबाद की सीमा आपस में टच है। मैं चाहता हूँ कि मेट्रो मेरे अंदर भी जैतपुर तक आए, और उसके लिए मेरी सरकार ने 4 कदम आगे बढ़ा दिए, उन्होंने मंजूरी दे दी है। मेरे और आपके देखते हुए मैं तो कह रहा हूँ 2020 तक जैतपुर और एक मीठापुर, दो स्टेशन आपको मिलने जा रहे हैं इस बदरपुर की जनता को। और बहुत जल्दी अगर ये मेट्रो आती है तो बहुत सारी चीज़ों का समस्या का समाधान होगा, ट्रैफिक से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई समस्या का समाधान होगा। एक तो ये मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। सीएम साहब से मीटिंग हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से मीटिंग हो चुकी है, और इस पर जो हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया जा सकता था वो लिया जा चुका है। हमने अपनी तरफ से पूरी प्रोसीडिंग कर दी है, फंड वगैरह जो उनको चाहिए था हमारी जो हिस्से का वो हमने प्रोवाइड करा दिया है। और ये अंडरग्राउंड होगा, एक मैसेज जाता है जनता में कि मेट्रो आएगी तो लोगों के मकान टूटेंगे, नहीं, ये अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी से मेट्रो जाएगी। पहला मीठापुर चौक के ऊपर स्टेशन के लिए फाइनल कर दिया है, लैंड स्टेटस चेक कर लिया है, मिट्टी की सैंपल जा चुके हैं। दूसरा अर्पण बिहार वो दो स्टेशन आपको यहाँ के लिए मंजूर हो चुके हैं और उस पर इम्प्लीमेंट जारी है, काम जारी है। दूसरा जो बहुत बड़ा काम है वो ये खान है मोड़बंद की जी, इसके अंदर हमारी सरकार से मेरी बात हुई है, 2-3 मीटिंगें हुई हैं, सीएम साहब ने अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी मिल चुकी है, उस पर आगे काम जारी है। स्टेडियम मेरे क्षेत्र के अंदर ना तो कोई पार्क था ना कोई स्टेडियम था, ये जो गड्ढा है ये कहीं ना कहीं वो भूमाफिया अपने आकाओं के द्वारा इस ज़मीन पर धीरे धीरे कब्जा करवाते जा रहे हैं। ये 36 एकड़ ज़मीन थी, आज ये 28 एकड़ बची हुई है, बिना नेताओं के, रजामंदी के, बिना SDM तहसीलदार की जेब भरे बिना कोई 8-10 एकड़ ज़मीन को नहीं जेह सकता जी। मैं आज आपके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिस दिन से आपका भाई इस क्षेत्र का मुखिया आपने बनाया है, 1 इंच ज़मीन पर कब्जा नहीं होने दिया है। जिस पंपलेट को बार बार वो रामवीर सिंह भिदूड़ी दिखाता है, वो पंपलेट को, जिसको मेरा कहता है विधायक तो कंप्लेंट करो, उस कंप्लेंट को आप निकलवाइए, एक बार पूछिए उनसे, वो कंप्लेंट देखना चाहते हैं जो नरेंद्र शर्मा ने दूसरों के मकानों को तोड़वाने के लिए दिए। उस मेरे लेटर के अंदर सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने लिखा है, जो ये 5-4 जगह सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हुआ है रामवीर सिंह भिदूड़ी, वो तेरे मामा फूफी के बालक हैं जिनने कब्जा किया है, गरीब की किसी की औकात नहीं है 1 इंच ज़मीन पर कब्जा कर ले। मैंने बोला है कि उस ज़मीन को, अगर वो सरकारी ज़मीन है तो उस ज़मीन को सरकार को दिया जाए, सरकार उसमें बारात घर या कोई स्कूल या कोई डिस्पेंसरी बनाएगी। तो एक तो 28 एकड़ ज़मीन रह गई है 36 एकड़ में थे, 8 एकड़ ज़मीन को रामवीर भिदूड़ी जी के कुछ गुर्गों के द्वारा उसको बेच दिया गया या कब्जा कर लिया गया है। उस 28 एकड़ ज़मीन पे 17 एकड़ के अंदर स्टेडियम पास करा दिया है जी, और स्टेडियम का काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। स्टेडियम एज ए आप जैसे आने वाले यूथ के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, जो लैंड बचेगी इसमें से उस पर वाटर बॉडी और पार्क की व्यवस्था, ये मंजूर हो चुका है जी, ये सरकार से अप्रूवल मिल चुका है। दूसरा ये दो काम हो गए, एक मेट्रो और एक स्टेडियम, वाटर बॉडी और पार्क। उसके बाद में एक बहुत बड़ा काम है, मेरे क्षेत्र के अंदर 6 लाख के करीब आबादी लोग रहते हैं, 6 लाख के करीब लोग रहते हैं, 3.5 लाख वोट रहे हैं, बाकी इतने बिना वोट के रहते हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं है बड़ा, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो सबको दूर भगना पड़ता है। उसके लिए इन्होंने 17 साल पहले एक झूठ का नारियल फोड़ा था मीठापुर वार्ड के अंदर, आपने देखा होगा उस लैंड को। मैं आपसे इतना ज़रूर वादा कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से और अपने क्षेत्र की जनता से वादा करता हूँ कि मैं इसमें 2018 तक आपको हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल दे दूँगा। ये मेरी प्राथमिकता है, ये मेरी सोच है, ये मेरी नीयत है, मैं करना चाहता हूँ, और अगर किसी ने टांग नहीं अड़ाई तो मैं इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कर दूँगा, और ज़्यादा टांग अड़ाई तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर से लड़ना पड़ता है, बस ये है। तो वो एक तो हॉस्पिटल हो गया, एक मेट्रो हो गया, एक पार्क हो गया, एक स्टेडियम हो गया, ये मेरी फर्स्ट। दूसरा एक पुस्ता वाला रोड आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी गए हैं आप, जो थाने वाला रोड है, जो
उस दिन तो आप गए होंगे जिस दिन मैंने जन आक्रोश रैली निकाली थी, तो वो रोड 12 साल से टूटा पड़ा था, नैरो है वो रोड। अगर उस पर हमेशा ट्रैफिक की व्यवस्था बनी रहती है तो उसको डबल करने के मैं कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसको भी 2018 तक जनता के लिए इसको चौड़ा कर पाऊँ कालंदी कुंज तक। हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी दे पाएँ। खड्डा कॉलोनी में स्कूल बन रहा है, 450 कमरे बन चुके हैं, मतलब कुल मिला के जो क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनसे मैंने आपको रूबरू कराया है, हॉस्पिटल से लेके, स्टेडियम से लेके, पार्क से लेके, वाटर बॉडी से लेके, और आने वाले समय के लिए रोडों की कनेक्टिविटी से लेके। तो ये सारी चीज़ों पे मैं आगे काम कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है अगर आपका साथ और समर्थन, जनता का आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं इसको ज़रूर कर पाऊँगा। तो जयपुर बदरपुर की जनता के लिए एक बहुत ही सुखद भविष्य। भारतीय जनता पार्टी वाले अच्छे दिन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी के नारायण दत्त शर्मा के द्वारा जयपुर के लिए अच्छे दिन का इसे सपना नहीं कहा जा सकता, हकीकत देखने को मिलेगा। इनके मुताबिक 2018 तक हॉस्पिटल, पुस्तावाला रोड डबल हो जाएगा, स्टेडियम और मेट्रो भी बहुत जल्दी इस इलाके को मिलेगा तोहफे के तौर पर। एक अंतिम प्रश्न विधायक जी, आपके पास से एसी भी ले ली गई फिर भी भ्रष्टाचार पे आप लोगों ने अंकुश लगाया, आपके पास पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, फिर भी जो है कानून व्यवस्था में काफ़ी अच्छे सुधार हुए, ये कैसे संभव हो पाया? ये सब नियत से संभव हो पाया। जिस नेता का मैं सिपाही हूँ, देखिए आज से 4 साल पहले कोई सोच सकता था कि बिना धन के, बिना दारू के, बिना साड़ी के, बिना आका के इस क्षेत्र के अंदर दो गुर्गों के बिना, दो बड़े नेताओं के बिना कोई काउंसलर नहीं बन सकता था। काउंसलर बनने के लिए भी बड़ा थैला चाहिए होता था। बिना धन के पहले तो टिकट के लिए धन देना पड़ता था। तो ये संभव किया है ना एक आदमी ने, एक शख्स ने संभव किया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है जी। आपने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया क्यों लड़ता है, वो किसी से नहीं लड़ता जी। जब जब इस जनता के हक के लिए कोई कुठाराघात करेगा इसके हक पे, तो लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र शर्मा भी लड़ रहा है ना जी, आपको और हमको भी लड़ना पड़ रहा है ना जी। देखिए अरविंद केजरीवाल ने मुझे लड़ना सिखाया है, अरविंद केजरीवाल ने सच करना सिखाया, और अरविंद केजरीवाल की सोच का कारण है कि आज बिना धन के, बिना दारू के, बिना साड़ी के, बिना कम्बल के, बिना बहुत बड़े कद के, हम कोई MLA के, कोई राजनेता के बच्चे थोड़े, हम आप जैसे लोग हैं। आज हम यहाँ आए तो इसलिए बदल रहा है ना जी कुछ। ये लोग धन वाले लोग थे, पैसे वाले लोग थे, गुंडों के दम पे राजनीति करते थे जी। आज सर यहाँ की जनता के लिए आपने यहाँ पे एक बारात घर बनाया ताकि यहाँ के बच्चे बच्चियों की शादी के समय किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी वहाँ पे MCD की तरफ से ढलाव घर बनाया जा रहा है, कूड़े का ढेर वहाँ पे लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इससे ज़्यादा क्या दुख की बात हो सकती है। जिस जगह पे दो घरों को एक करने की व्यवस्था हो, जहाँ हजारों लोग उस शादी में शरीक होते हैं और वो रोटी खाएं, खाना खाएं, भोजन खाएं, वहाँ फेरे पड़े, वहाँ पे एक स्मेल आए। अगर आपको याद हो, मैं और आप सभी वहाँ पे थे, वहाँ जहाँ NTPC ग्राउंड में जब मिथिला विद्यापति किया कार्यक्रम हो रहा था, तो आप और हम उस प्रोग्राम में किस तरीका से बैठे थे, वहाँ की आवाम ने अपने नाकों पे कपड़े रखे हुए थे, किस कारण से? क्योंकि वहाँ उन्होंने ढलाव घर बना दिया। एक तरफ तो ये स्वच्छ भारत की बात करते हैं, एक तरफ इन पे जो दिल्ली है जहाँ इनकी निगम में सरकार इनकी, पुलिस इनकी, उसके बाद भी ये जहाँ बारात घर बन रहा है, जहाँ बारात घर में कल परसों वहाँ शादियाँ शुरू होंगी, वहीं ढलाव घर बना रहे हैं, उसके साथ में फिर बिना परमिशन लिए कोई कमरा खड़ा कर रहे हैं। तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप ना मुझे अब क्या करूँ, मुझे टकराना पड़ेगा ना जी, मुझे वो तोड़ना पड़ेगा। बताओ मैं किससे परमिशन लूँ जी उसके तोड़ने के लिए, बताइए कौन परमिशन दे देगा मुझे? मुझे सिर्फ परमिशन अपनी जनता की लेनी है। अगर मेरी जनता के हित में कोई काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और जो जनता के लिए नुकसानदायक काम करेगा उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आपको कहता हूँ जी, आप भी एक बार उनसे बात कर लीजिए, या तो वो मान जाते हैं
नहीं तो ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत चटके हुए आदमी हैं, ये उसको उखाड़ के फेंक देंगे उस खान में। उस डलाब घर को यहाँ बनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ बरात घर के लिए मंजूरी लेके, लैंड स्टेटस लेके, जमीन को मंजूर करा के पैसा लगाया जा रहा है। इसलिए पैसा नहीं लगाया जा रहा कि उस बरात घर में कोई शादी नहीं करे। कौन शादी करेगा जी? जिस बरात घर को 2.5 करोड़ रुपए की लागत से जनता के लिए बनाया जा रहा है, अगर वहाँ कूड़े का ढेर होगा, स्मेल आ रही होगी, तो कौन शादी करना पसंद करेगा बताइए? जो बारात लेके किसी की बेटी का आएगा वो कहेगा तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? यही बोलेगा ना जी। तो ये जनता के हित में कहाँ काम हो रहा है? तो मैं निगम के उन पार्षद साहब को, निगम के जो मुखिया बैठे और पार्षदों के ऊपर जो इनका आका बैठा है, जो कि मांडी में रहता है जहाँ वातावरण बहुत बढ़िया कही है, वहाँ तो कोई पॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं है, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना नरक मत बनाए इस बदरपुर को, जिसने 3 बार आपको जिताया है। नरेंद्र शर्मा की सामने ऑफिस है, बारात घर बन रहा है, और ये जनता अब जाग चुकी है। ये रोज उन हथौड़ा वालों को, एमसीडी वालों को रोज भगा रही है क्षेत्र से। ये टाम टम्बल उखाड़ के कहीं और लगा ले मेरे भाई, और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मांडी में मंगवा ले कर या कूड़े। बहुत अच्छी बात आपने कही, बड़े मिजाज के साथ आपने अपना इतना सारा समय हमें दिया, बहुमूल्य समय दिया हूँ 24/7 चैनल को। सर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी का, आपके चैनल का, ओंकार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग हमेशा, मैं देखता हूँ हमारे क्षेत्र में जब भी कोई आवाज़ बन के निकला है, तो आपका ओंकार चैनल के माध्यम से आप अपने इस क्षेत्र की बहुत सारी जन समस्याओं को लेके जनता के बीच में जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और आप ऐसे ही जनता के हित में लड़ते रहें। थैंक यू आपको। थैंक यू सर। तो अभी हमने बातचीत की स्थानीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित नारायण दत्त शर्मा से। मैं धनंजय चौबे, अपने सहयोगी सोनी मिश्रा और कैमरा पर्सन निशांत के साथ, विधायक आवास बदरपुर।